हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। हर जिले में टीमें गठित कर शुल्क वसूलने की कराए जांच। कर्मचारियों की ज़्यादातर मांगों पर सहमत का दावा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा, कार्मिक विभाग ने जारी किया कार्यवृत्त। 15 जिलों के प्रसिद्ध विद्यालयों में किताबों की आपूर्ति शुरू नहीं। प्रधानाध्यापक ने बच्ची के दाखिले से किया इनकार, वीडियो वायरल। स्कूटी बेचने के नाम पर शिक्षिका से 66,000 ठगे। दो शादी करने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित। छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोपी शिक्षा मित्र जेल भेजा गया, सेवा समाप्त होगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किन समय निहब यूट्यूब चैनल पर। हर जिले में टीमें गठित कर शुल्क वसूलने की कराए जाँच। माध्यमिक कॉलेजों में छात्राओं से अधिक शुल्क वसूलने की जाँच होने जा रही है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने निदेशक सरिता तिवारी को आदेश दिया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक से जिला स्तर पर टीमें गठित कराकर अधिक शुल्क वसूलने की गोपनीय जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों को पिछले दिनों जिलों में भेजा गया था, जहां उन्होंने भ्रमण करके शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन देखा व आम जनता की शिकायतें सुनी। फर्रुखाबाद जिले में मंत्री से अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत हुई। इसी को आधार बनाकर अब प्रदेश भर में सभी माध्यमिक कॉलेजों की गोपनीय जाँच होगी। DIOS को जिला स्तर पर टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया है। टीमें अभिभावक व छात्र छात्राओं से बात करेंगी। इसमें यह भी निर्देश है कि ऐसे एडेड माध्यमिक विद्यालय जहां वित्त विहीन व्यवस्था संचालित है, उनकी विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों की ज़्यादातर मांगों पर सहमत का दावा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा, कार्मिक विभाग ने जारी किया कार्यवृत्त। लखनऊ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन से कर्मचारियों की 16 सूत्रीय मांगों पर सहमत बनने का दावा किया है। परिषद के अध्यक्ष जीएन तिवारी इस संबंध में शासन के कार्मिक विभाग से बैठक का कार्यवृत्त जारी होने का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मांगों को पूरा करने का रोडमैप भी कार्यवृत्त में है। तिवारी ने बताया कि संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों की अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ वार्ता हुई थी। इस वार्ता का कार्यवृत्त जारी हुआ है। इसके मुताबिक सहायक चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइल एरिया निरीक्षक सहित सभी संवर्गों की वेतन विसंगतियों, समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धत विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर मुख्य सचिव समिति ने निर्णय कराने के लिए वित्त विभाग को निर्देश भेजे जाने का निर्णय हुआ है। नगर प्रतिकर भत्ता बहाली के लिए भी वित्त विभाग कार्रवाई करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन संरक्षण व सेवा में निरंतरता के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन कराने के लिए कार्मिक विभाग फिर निर्देश जारी कर रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय व कोविड भत्ते के भुगतान के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। आश्रम पद्धत विद्यालय में कार्यरत एलटीग्रेड शिक्षकों को नियमित किए जाने के लिए समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूटी बेचने के नाम पर शिक्षिका से 66,000 ठगे। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक शिक्षिका से एक युवक ने 66,000 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने OLX के जरिए एक स्कूटी खरीदी थी। पीड़ित ने SSP कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 15 जिलों के प्रसिद्ध विद्यालयों में किताबों की आपूर्ति शुरू नहीं। लखनऊ प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराने के साथ वहां पठन पाठन कराने पर बेसिक शिक्षा विभाग का विशेष जोर है। शैक्षिक सत्र शुरू हुए करीब 4 माह को है, अब तक जिलों में किताबों की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। 15 से अधिक जिले ऐसे हैं जहाँ आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। अन्य जिलों में भी छिटपुट यानी कुछ कक्षाओं की किताबें पहुंची हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 1,90,00,000 से अधिक छात्राओं का प्रवेश हो चुका है। प्रधानाध्यापिका ने बच्ची के दाखिले से किया इनकार, वीडियो वायरल। मैनपुरी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन भोगाई के कपूर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने स्कूल में बच्ची का प्रवेश कराने पहुंची महिला को प्रवेश न देने की बात कहते हुए लौटा दिया। बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो BSA ने जांच के आदेश जारी कर दिए। मामला कंपोजिट विद्यालय भोगांव से जुड़ा हुआ है। यहां का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला अपनी बेटी के प्रवेश के लिए प्रधानाध्यापिका मीना वर्मा के पास पहुंचती है। वह बच्ची के प्रवेश के लिए निवेदन करती है। वीडियो में मोना वर्मा उसे दूसरे विद्यालय में प्रवेश कराने की बात कह रही है। महिला फिर से निवेदन करती है कि वहाँ भी उसकी बच्ची का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इस पर मीना वर्मा बिफर जाती है और महिला को वहाँ से जाने को कहती है। यह वीडियो वायरल होते ही BSA दीपिका गुप्ता ने खंड शिक्षा अधिकारी भोगांव अनुपम शुक्ला के जांच के आदेश दिए। दीपिका गुप्ता BSA ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है कि खंड शिक्षा अधिकारी अनुपम शुक्ला को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वीडियो में हो रही बात सही है और बच्ची को प्रवेश नहीं दिया गया तो संबंधित प्रधानाध्यापिका पर विभागीय कार्रवाई होगी। कोई भी प्रधानाध्यापिका किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती। स्कूटी बेचने के नाम पर शिक्षिका से 66,000 ठगे। मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक शिक्षिका से एक युवक ने 66,000 रुपये ठग लिए। पीड़ित ने OLX के जरिए एक स्कूटी खरीदी थी। पीड़ित ने SSP कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की
मांग की है। कोतवाली के मानपुर बुध बाजार निवासी मुस्कान शर्मा ने जिस स्कूल में शिक्षिका है उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि 17 जनवरी को ओएलएक्स के माध्यम से उन्होंने एक स्कूटी खरीदी थी। इसके लिए 55,000 रुपये कैश और 11,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान किए थे। इसके बाद 24 जनवरी को आरोपी ने कॉल करके बताया कि स्कूटी दिल्ली रोड स्थित शोरूम पर रसीद के लिए देनी है। आरोपी ने शिक्षिका से शोरूम से प्राप्त रसीद ले ली और वहाँ से स्कूटी लेकर आरोप भाग गया। 24 जनवरी को शाम 6 बजे तक स्कूटी नहीं मिली तो शिक्षिका ने आरोपी के मोबाइल पर कॉल की लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। तब पीड़ित अपने भाई को लेकर शोरूम गई तो पता चला कि आरोपी वहां से स्कूटी लेकर जा चुका है। एसएसपी ने कोतवाली प्रभारी को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संत कबीरनगर सरकारी नौकरी में रहते हुए 2 शादी करने के आरोप में प्रधानाध्यापक की बीएससी ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। एक अन्य प्रधानाध्यापक को भी बिना सूचना के गैरहाजिर के आरोप में निलंबित किया गया। प्रकरण की जांच खंड जिलाधिकारी बपीली को सौंपी गई। बीएससी अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि बसैया गायघाट निवासी चंद्रका प्रसाद ने शिकायत की थी कि उसकी शादी बसंतो देवी प्रधानाध्यापक सम्मिलन विद्यालय बसैया नाथनगर के साथ हुई है। बसंती देवी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम है, फिर भी पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया। हिंदू धर्म के अनुयायी को केवल एक ही पति व एक ही पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की विधिक व्यवस्था है। बीएसएन ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ के आधार पर बसंती देवी के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आईओ बली को पूरे प्रकरण की जाँच के लिए नामित किया गया है। 15 दिन के अंदर जाँच रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में बताया कि 15 जुलाई को उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर द्वितीय नाथनगर की जांच की थी। यहां पर प्रधानाध्यापक सुनील कुमार बिना सूचना और प्रार्थना पत्र दिए अनुपस्थित मिले थे। छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी शिक्षा मित्र जेल भेजा गया, सेवा समाप्त होगी। संभल कथाचार की छात्रा के साथ विद्यालय के कक्ष में छेड़खानी करने के आरोपी शिक्षा मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से जेल भेज दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। दरअसल सोमवार को कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने अपने गांव में स्थित प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल के शिक्षा मित्र के खिलाफ 11 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी प्रसिद्ध विद्यालय में कक्षा 4 की छात्रा है। शनिवार को छुट्टी के समय विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र हरपाल ने बेटी से बैग घर पर रखकर वापस विद्यालय आने के लिए कहा। जब बेटी विद्यालय पहुंची तो शिक्षा मित्र ने कक्षा की खिड़की बंद कर दी और अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर आरोपी ने कई तरह का लालच दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल अमर सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।